हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ESIC की जो वेरियस पोस्ट की अपकमिंग रिक्रूटमेंट है 2023-24 के रिगार्डिंग, उसके बारे में। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट, जैसा कि जो 10+2 पास आउट है, 10th पास आउट है, ग्रेजुएट है, सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पोस्ट वाइज आपको सारा कुछ समझाने वाली हूँ, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, फॉर्म आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर जरा से भी सीरियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना फ्रेंड्स। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ESIC की वेरियस पोस्ट ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आई है। ESIC जिसका मतलब होता है इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंडर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई है, बम्पर सीट्स आई है, 17,710 सीट्स पे आई है आपको वैकेंसी। लेकिन हम लोग ना मेन चार जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, चार पोस्ट के रिगार्डिंग, जिसके लिए सारे कैंडिडेट लगभग इलिजिबल रहने वाले। तो आइए देख लेते हैं हम लोग किन किन पोस्ट पे बात करेंगे, उसमें कितना सीट्स है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट सीट आपकी MTS की है, 3341 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है, 10th पास स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। सेकेंड है LDC, जिसके लिए 1923 सीट रखी गई है, 12th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है UDC की 6435, UDC के लिए सबसे ज्यादा नंबर की वैकेंसी आई है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज है वो सब एलिजिबल रहेंगे। फोर्थ एंड लास्ट सीट है SSO, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए भी आपका 2596 सीट रखा गया, सेम नॉलेज जितना आपको UDC के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज, उतना इसका भी एलिजिबिलिटी है। आइए आगे अब देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रखी गई है पोस्ट वाइज। MTS की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स एज लिमिट है। UDC के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 इयर्स। थर्ड पोस्ट जो आपका SSO एंड अदर्स, आपका मैक्सिमम 30 इयर्स एज की लिमिट रहेगी। LDC के लिए 18-27 इयर्स रहेगी। अब बात रही कि इसमें आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रिलैक्सेशन मिलता है फ्रेंड्स OBC को 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का। आगे बता देती हूँ कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे क्या फी लिया जाएगा। तो जनरल OBC एंड EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज, SC ST PH यानी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, साथ ही साथ फीमेल से 250 रुपया यहाँ पे फॉर्म की पेमेंट ली जाएगी। आइए अब समझा देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस किन किन स्टेज पर डिपेंडेबल होगा। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। पहले जान लेते हैं MTS की पोस्ट के लिए। MTS के लिए फ्रेंड्स होगा आपका प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, मतलब फेज 1 और फेज 2 क्लियर कर लिया आपने, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है। पर वही अगर आपने UDC, LDC या फिर SSO के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो 3 स्टेज से गुजरना होगा, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड देन होता है क्या, स्किल टेस्ट। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं प्री एंड मेंस के लिए आपका क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। प्री का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स उसमें आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स, टाइम विल बी 60 मिनट, 1 आवर का आपका पेपर रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 यानी 0.25 का, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए रहेंगे। सो ओवरऑल आपका जो प्री का एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर है, निगेटिव मार्किंग 0.25 का। आई होप कि प्री की एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेंस का जो पेपर रहेगा उसमें फ्रेंड्स आपका 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा 200 मार्क्स के लिए,
टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स का रहेगा। आई होप मेंस की एग्जाम पैटर्न भी आप क्लियर वे में समझ गए होंगे। तो एमटीएस के लिए प्री निकालिए, मेंस निकालिए, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाता है उसके बाद। लेकिन यूडीसी एलडीसी एसएसओ के लिए प्री निकालिए, मेंस निकालिए, स्किल टेस्ट मतलब आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। तो ज्वाइनिंग लेटर का नाम सुनते ही बहुत सारे कैंडिडेट इच्छुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि सैलरी क्या मिलेगी। तो मैं हूं ना, आइए मैं बता देती हूँ आपको ज्वाइनिंग के बाद सैलरी क्या मिलने वाली है। सैलरी में बात करें एमटीएस के लिए तो लेवल 1 की सैलरी होती है, स्टार्टिंग होता है 18,000 से और आफ्टर आपका हर साल जो सैलरी बढ़ती है 56,900 रुपीस पर मंथ की सैलरी हो जाती है। एलडीसी के लिए लेवल 2 का सैलरी है, स्टार्टिंग में मिलता है 19,900 रुपीस, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस एंड इंक्रीमेंट आपकी सैलरी हो जाती है क्या 63,200 मतलब 63,200 रुपया पर मंथ का सैलरी आपको बाद में मिलने लगता है। यूडीसी के लिए लेवल 4 की सैलरी है 25,500 रुपीस से स्टार्टिंग होती है एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस और पर ईयर की इंक्रीमेंट पर मंथ की सैलरी 81,000 रुपीस हो जाती है। सबसे अच्छा सैलरी जिस पोस्ट के लिए मिलता है वो होता है एसएसओ, लेवल 7 की सैलरी होती है, शुरुआत के दिनों में आपको 44,900 रुपीस मतलब कि 44,900 रुपया पर महीने का सैलरी होता है। पर ईयर आपका जो सैलरी बढ़ोतरी होती है, आपको पर्क्स अलाउंसेस मिलती है, उसके बाद आपकी सैलरी क्या हो जाती है 1,42,400 रुपीस पर मंथ, मतलब कि हर महीने आपको 1,42,400 रुपये आपको पर महीने सैलरी मिलने वाला। सो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। तो अब आप सोच रहे होंगे सारे कुछ आपको क्लियर हो गई होगी, बस एक क्वेश्चन है कि ये फॉर्म आएगा कब। फॉर्म बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी, आपको जनवरी फरवरी के टाइम में आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था, मार्च अप्रैल में सारा पेपर वगैरह भी खत्म हो गया था, मई में उसका आपका मेंस का भी एग्जाम हो गया था, वैसे ही 2019 में भी आया था। तो अभी जैसा कि नोटिफिकेशन आया है 2022 के बाद अभी नोटिफिकेशन आया, तो आप ये मान के चल सकते हो कि दिसंबर से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म आ जाएगा। मतलब दिसंबर 2023 से आप एक्सपेक्ट करोगे जनवरी 2024 तक फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात की एग्जाम कब होगा, तो मान के आप ये चलो कि मार्च से अप्रैल में इसका प्री का एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी की स्पीड अच्छी रखो ताकि फॉर्म कभी भी आए, अगर अभी भी आ जाए नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो जाए तो आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप अपना एक सीट अचीव कर पाओ। तो मेन मोटो यही होता है आप सभी को इतना पहले ये सब कुछ बताने का। आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो मन में तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहां पे जाके आप डाउनलोड करो और अच्छे से नोटिफिकेशन को देखो और सब कुछ समझ लेना। और अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी क्वेरीज पूछने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।